वेलकम बैक टू तो माय चैनल आज मैं आपके लिए क्लब सैंडविचेस की रेसिपी जो कि बहुत ही कलरफुल और मजेदार होती है जिसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ ये मैंने चिकन लिया है मैंने हाफ के जी ये चिकन है मेरे पास इसको मैंने बॉयल कर लिया था हल्का सा नमक डाल के इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ये हमें बहुत ज्यादा इसको नहीं कराना है इसके साथ मेरे पास ये कलरफुल पेपर्स हैं ये कैबेज है मेरे पास ये कैरेट है इसको इस तरह से हमने बारीक काट लिया है टमाटो है टमाटर और ये मेरे पास क्यूकम्बर है ये मेरे पास बटर है ये मेरे पास एग्स हैं और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है ये व्हाइट पेपर है मेरे पास सॉल्ट है सैंडविच के लिए ये ब्रेड जो लें वो स्क्वायर ब्रेड लें और इसके अलावा हमारे पास हॉट सॉस है गार्लिक सॉल्ट है रेंच है ये मेरे पास मस्टर्ड है मायो है और ये केचप है चले हम स्टार्ट करते हैं पहले हम चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे तो सबसे इसमें हम जो हमारे पास ब्रेस्ट का चिकन का बॉयल हुआ हुआ चिकन है उसके अंदर हम उसके हम फोर टेबल स्पून मायो की डालेंगे मायोनीस ये हम इसमें व्हाइट पेपर भी डालेंगे बहुत ही हम थोड़ा सा डालेंगे हाफ टी स्पून से भी आ, कम डालेंगे हम इसमें व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर भी हम हाफ टी स्पून से कम डालेंगे और गार्लिक सॉल्ट भी हमने इसी तरह से इसमें हाफ टी स्पून डाला है इसी तरह से हम इसमें वन टेबल स्पून के करीब हॉट सॉस डालेंगे और वन टेबल स्पून के करीब हम इसमें रेंच का भी डाल देंगे इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमें ये थोड़ा थिक लग रहा है तो हम इसके अंदर वन से टू टेबल स्पून माया और मिला देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विड पे आ जाए चाहे तो थोड़ा सा रैंच अच्छी तरह से मिक्स कर लें ये देखें हमने अच्छी तरह से सब मिक्स कर लिया है ये चिकन का हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे और हम जो हमारे सैलिड है वो जो हमारे पास पेपर है और कैबेज है अब हम उसका रिक्सा तैयार करेंगे हमने एक बाउल लिया है उसके अंदर हम इसमें रीन पेपर येलो पेपर ऑरेंज ये बड़ा कलरफुल सा बहुत जबरदस्त सा बनता है इसमें कैरेट ये मेरे पास कैबेज है सब हमने इसमें ऐड कर दिए जितनी हमें ज़रूरत है ये देखें ये जो मिक्स वेजे पेपर्स लिए हैं इसके अंदर भी हम मायो डालेंगे कम अज कम टू से थ्री टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे और इसी तरह से हम टू टेबल स्पून इसके अंदर रेंच के डालेंगे वन टेबल स्पून हम इसमें हॉट सॉस डालेंगे हाफ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें नॉर्मल सॉल्ट जो हमारे पास है हम वो डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर केचप भी डालेंगे हम इसमें टू टेबल स्पून के करीब भी हमने इसमें डाल दिया है अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हमने इसकी सॉस भी प्रिपेयर कर दी है अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे अब हम जो तीसरी लेयर के लिए एग्स का है वो एग का हम उसकी कटिंग करते हैं जो अंडे लिए हैं, अब हम उनको इस तरह से स्लाइसिस में काट लेंगे लोग तो चॉप भी कर लेते हैं अगर स्लाइसिस भी अच्छे लगते हैं इसके अंदर इस तरह से हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे ये देखें हमने अंडे के स्लाइसेस भी कट कर लिए हैं चलाए है, हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं ये मैंने ये चार पीस ले लिए हैं ब्रेड के इस तरह से लेके हमने इसको रख लिया है तो हम सबसे पहले जो इसके पहला स्टेप करेंगे ब्रेड लेंगे और ब्रेड पे हम इसको लगा लेंगे बहुत किनारे किनारे पे ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि हम किनारा जो है इसका बाद में कट कर देंगे ये हमने इसमें नीचे वाले हिस्से पे लगा दिए अब हम इसकी दूसरी ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर हम इसको भी इस तरह से रख देंगे अब दूसरी ब्रेड पे हम जो हमने ये इसका सॉस बनाई थी ये हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से देखें कितनी कलरफुल है तो जब हम इसको कट करेंगे तो जब नजर आएगी तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा ये हमें किनारे थोड़े से खाली रखने अच्छा अब हम इसका तीसरा स्टेप करते हैं हम ब्रेड रखेंगे इसके ऊपर जो है पास बटर है वो हम लगाएंगे इस तरह से हमने बटर लगा दिया दूसरे वाले पे भी हम हल्का सा बटर लगा लेंगे ये देखे हमने दोनों ब्रेडों पे बटन लगा लिया अब हम इसके ऊपर जो हमारे पास टमाटर कटे हुए रखे हैं ये हम रखेंगे हमने इसके बीजे जब धो इसको कट किया था तो इसकी बीजे हमने रिमूव कर ली थी कोशिश करें बीजे ना हो वरना ये अपना पानी छोड़ती हैं तो फिर जो हमारा सैंडविच है मतलब खराब हो जाता है तो ये हमने तरह से कर तर दिया और अब हम इसके ऊपर अंडे के स्लाइसिस रखेंगे देखिए हमने अंडे के स्लाइसिस रख दिए इसके ऊपर इसको हम इस तरह से रख देंगे हम इसको किनारों से कट करेंगे हम इस तरह से करके इसको निकाल लेंगे ये इस्तेमाल हो जाता है बाद में आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं इस तरह से करके हम चारों कोने इसके बराबर का काट लेंगे ये देखिए हमने इसको चारों तरफ से निकाल दिया है अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे ये देखें इतने जबरदस्त कलर के साथ हुआ ये इसी तरह से हम आपको बाकी के भी बना के दिखाते हैं। फाइनली हमारे क्लब सैंडविचेस रेडी हो चुके हैं ये देखें। इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज भी रखी है इसकी भी रेसिपी मैं जल्द आपको दूंगी जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की होती है ये बहुत ही मजेदार होता है और बहुत इजीली बन जाता है और ये फुली न्यूट्रिश होता है आप अपने बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में ही बनाकर दे सकती हैं और ये मतलब इसमें तकरीबन सारी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं क्योंकि हम इसमें एग और वेजिटेबल्स वगैरह यूज करते हैं और अगर कोई आपका गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट इसको बना भी सकती हैं साथ साथ हेल्दी भी होता है और मजेदार भी तो चले अब आप, आप, आप मैं आपसे इजाजत लेती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों में और अहबाबों में जरूर इसको शेयर किया करें ताकि वो भी इंजॉय कर सकें और बेल आइकन जरूर दबाया करें अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में हाफिज